नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जून शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में बच्चों की परीक्षा करवाने का मामला सामने आया है। यहां 9वीं और 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं करवाई जा रही थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से अभी स्कूलों में परीक्षा की अनुमति जारी नहीं की गई है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ रही थी। वहीं इस मामले की जांच जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। पाली जिले में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी को मिली शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर जोधपुर डिस्कॉम के स्टोर कीपर को ट्रैप किया। पोल लगवाने की एज में स्टोर कीपर दिलीप धाकड़ ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने दिलीप को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। अजमेर जिले के बयावर में एक सिरफिरे द्वारा कोर्ट परिसर के समीप तेजाब की बोतल फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट परिसर स्थित एक टी स्टॉल के पास एक सिरफिरे ने तेजाब से भरी बोतल फेंक दी। गनीमत रही कि उस वक्त टी स्टॉल पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह घटना एक ASI और कोर्ट परिसर स्थित अभिभाषक संघ के सामने हुई। जयपुर के झलाना स्थित वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पी जोन में सहायक प्रशासनिक अधिकारी झोटवाड़ा निवासी अब्दुल कुदुस को 34,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ने के लिए ACP ने 6 माह तक इंतजार किया। मामले में ACP ने गत वर्ष 13 नवंबर को सत्यापन कर लिया था। गत दिनों लॉकडाउन में छूट मिली और ऑफिस खुले तो आरोपी AO ऑफिस आया और सीधे परिवादी से बात कर काम के बदले रिश्वत मांगी। ACP ने तत्काल जाल बिछाया और आरोपी को 34,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिले के मकराना में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मकराना नागौर हाईवे पर गांव विंडजारी के पास देर रात 2 युवकों के शव मिले हैं। दोनों युवक कालवा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर तमाशबीनों की भीड़ उमड़ गई। सूचना मिलने पर गच्छीपुरा पुलिस पहुंची और दोनों शवों को सरकारी अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर रोड के तेल व्यापारी की स्कूटी और उसमें रखे 3,70,000 रुपए चुराने वाले आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। सीकर पुलिस के जांच अधिकारी ब्रिजेश सिंह तवर ने बताया कि आरोपी देशराज ने बताया कि 3,70,000 रुपए चुराने के बाद उसके मामा अभय सिंह को उसको केवल खर्चा पानी के पैसे दिए थे, बाकी रकम खुद ने ही रख ली थी। आरोपी देशराज के मामा अभय सिंह को गिरफ्तार कर थाने में लाया जाएगा, ताकि घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर उससे चोरी की गई रकम बरामद की जा सके। फर्जी तरीके के राशन लेने में पूरे प्रदेश में नागौर के सरकारी कर्मचारी अव्वल रहे हैं। इसके बाद भरतपुर, उदयपुर और जयपुर के कर्मचारियों का नंबर आता है। जानकारी के अनुसार 20,141 कर्मियों ने नियम के विपरीत NFSA के तहत गरीबों का राशन हड़प लिया। 15,529 कर्मियों के नाम सूचियों से हटा लिए गए हैं। मई तक इन कर्मियों से 55,00,000 रुपए की वसूली की गई है। इसी मामले में अलवर और करौली में भी 7 कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। भरतपुर जिले के कर्फ्यू जोन में भी दुकान खोलने पर शहर के अटल बंद इलाके में 2 गुड़ विक्रेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ग्राहक का चालान किया गया। इसके अलावा सब्जी के डकेल लगाने पर एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। मास्क नहीं लगाने पर 40 तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। NV एक्ट में 18 वाहनों को जब्त किया गया तथा 238 वाहनों के चालान करके 36,700 रुपए का चालान किया गया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया नाल के पास सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार गोगुंदा की ओर से जा रहा एक टैंकर खाई में पलट गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, जिससे कोई जनहानि होने से बच गई। बेकरिया पुलिस व हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा करवाकर जाम को खुलवाया गया। जयपुर डिस्कॉम के बहरोड सब डिवीजन के विजिलेंस चेकिंग करने के दौरान इंजीनियरों व कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर इंजीनियरों ने बहरोड इलाके से ट्रांसफर की मांग करते हुए डिस्कॉम प्रबंध निदेशक को सामूहिक इस्तीफा भेज दिया है। डिस्कॉम प्रबंधन निदेशक AK गुप्ता ने विजिलेंस चेकिंग में व्यवधान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है। ताजा तरीन खबरों के लिए
फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.